नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया और नतीजे ऑलमोस्ट जो है वो सबके समक्ष जो है वो पहुंच रखे हैं। और जिस प्रकार से एनसी जो है सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उभरकर जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद जो इलेक्शन हुए हैं उसमें आई है, और कहीं ना कहीं जो है एनसी के खेमे में जो है खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से हमने उनके जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे उनसे बातचीत की, इस समय वहां पे भी जो है वो उनके पार्टी ऑफिस में जश्न जो है वो चल रहा है। वहीं दो रोज पहले जो एक खबर की थी किसके सर पे होगा सीएम का ताज, हालांकि ऑफिशियली जो है इसके ऊपर अभी बड़ी अनाउंसमेंट आना बाकी है। लेकिन जिस प्रकार से एनसी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनके उभरी है और इसके बाद जो है सीएम का ताज जो है उमर अब्दुल्ला के सर पे होगा, ऐसा हम नहीं ऐसा कह रहे हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जब पत्रकार बंधुओं से बातचीत कर रहे थे तो वहां पे जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल का जवाब जो है वो ये दिया कि सीएम का ताज जो है वो उमर अब्दुल्ला के सर पे होगा, यानी कि आने वाले सीएम जो है उमर अब्दुल्ला होंगे। लेकिन ये अपने आप में एक असमंजस वाली स्थिति है, जहां पे उमर अब्दुल्ला पहले यूटी की इलेक्शन को कंटेस्ट करने से हेजिटेट कर रहे थे। इवन कि उन्होंने जहां तक कह दिया था कि मैं यूटी की कोई भी इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं करूंगा, हालांकि उसके बाद उन्होंने अपने इस बयान को बदला और कहा कि पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनका ये कहना है कि उनको कंटेस्ट करना चाहिए। और नो डाउट कि उन्होंने जो है इस फैसले के ऊपर तवज्जो दी, लोगों ने जो बातें कही, उनके जो समर्थकों ने जो बातें कही उसके ऊपर उन्होंने तवज्जो दी और उसके बाद उन्होंने जो है वो इलेक्शन का कंटेस्ट करने का फैसला लिया। जब उन्होंने देखा कि इलेक्शन एक सीट से जो है वो हार के नतीजों की खबर आ रही है तो उन्होंने दूसरी सीट से भी इलेक्शन को कंटेस्ट करने का फैसला लिया। लेकिन ये विधि का विधान है और डिसीजन मेकिंग जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे ली गई है कि जिसके चलते उमर अब्दुल्ला जो आज से लगभग 10 साल पहले सीएम की चेयर से नीचे उतरे थे, अब दोबारा सीएम की चेयर के लिए उनको जो है वो उनके पार्टी की जो सदर हैं उनकी तरफ से ऑफर की गई है और कहा गया है। हालांकि एनसी लगभग कितनी सीटों पे अपनी बढ़त बहुमत और जीत के आती है वो अभी फाइनल डिसीजन आना बाकी है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं 40+ सीटें जो हैं वो एनसी के पास हैं और आसानी से 48 का जो आंकड़ा है वो पार कर सकते हैं और इसके बाद जो है सरकार बना भी सकते हैं। अब देखने वाला वक्त ये भी रहेगा कि जो व्यक्ति कहता था कि मैंने इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं करनी वो भी सीएम बनने जा रहे हैं, तो क्या अभी अपोजिशन में भाजपा बैठेगी या बीजेपी द्वारा कोई नई गेम प्लान है जिसके चलते वो सरकार के लिए भी जो है अपने पेशकश रख सकते हैं। ये कुछ ही घंटों में स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। बड़ी बात ये भी है कि अगर एनसी की सरकार आती है और उस सरकार में ये आम जनता से संबंधित जो है वो चीजें हैं कि एनसी का साफ तौर पे कहना है कि वह इम्प्लॉयमेंट देंगे, इसके साथ साथ स्टेटहुड की मांग को जो है मजबूत करेंगे और वापस दर्जा दिलवाएंगे, कितनी जल्दी दिलवा पाएंगे? और अगर अपोजिशन में भाजपा होती है तो स्टेटहुड की मांग को भाजपा का भी समर्थन रहेगा या भाजपा जो है क्योंकि अपोजिशन में है तो इसके विरोध में रहेगी? जम्मू कश्मीर की सियासत थोड़ी सी बाकी रियासतों की सियासत से अलग है और उसमें से अब ये नतीजे जो 10 साल के बाद आए हैं, एनसी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उभर के आई है और पीडीपी ऑलमोस्ट जो है वो जीरो के करीब पहुंच गई है और भाजपा ने अपनी परिस्थिति वैसी की वैसी ही बना के रखी हुई है। अब ये देखने वाला वक्त रहेगा कि कौन सीएम बनता है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया है कि सीएम उमर अब्दुल्ला होंगे और उसके बाद क्या कुछ अगला फैसला होगा, क्या कुछ मंत्री जो मंडल बांटे जाएंगे उसमें होंगे, वो चीजें देखने योग्य रहेंगी। लेकिन आज कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो कल तक सीट जिनको नहीं मिल रही थी तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज उनके स्थान पे जिनको सीट दी गई उनके लिए सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में किसकी सरकार में कौन मंत्री होगा ये देखने वाला वक्त रहेगा। बहरहाल आप अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू, कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। चाहे Thank you.